देखिए तो कौन जगह भैया ये मुरादपुर देख सकते हो मुरादपुर है मुरादपुर और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर बच्चा लोग खेल रहा था यहाँ पे देख सकते हैं इतना सारा टुकड़ा पड़ा हुआ है और यहाँ पे बॉल आया था बॉल जैसी बच्चा हटाने के लिए यहाँ पे तो सांप अटैक किया बच्चा के ऊपर और देख सकते हैं अभी रात का समय है दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे बल्ब खेल यहाँ पे लाइट लगाया गया है और सांप जिसके अंदर जैसे बहुत खतरनाक सांप है दोस्तों अगर ये बच्चा को काट लेता तो बच्चा को मृत्यु लिखा हुआ था दोस्तों क्योंकि अपने भारत में सबसे ज्यादा सांप यही सांप काटने से इंसान को मौत होता है दोस्तों ये इंडिया देखिए दोस्तों चलिए हम इसकी ईटा हटाते हैं दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे अभी एक घंटा से अभी मेहनत कर रहा है ईटा हटा रहा है दोस्तों इसको ईटा को हम हटाते हैं फिर सांप को खाते की कहाँ से बाजी देख तू यार लाठी हटा हम अतियो भाई हम तो अतियो भाई कैमरा मैन बाहर निकल दीजिए रुक ना अरे भैया आप लोग हल्ला करिए नहीं निकलेगा निकलने दीजिए उसको उधर हल्ला करिए आपको बोले ना कि हल्ला नहीं करिए हल्ला करिए कौन है क्या क्या अंदर गया हल्ला नहीं करिएगा बाहर निकलने दीजिए सब चुपचाप से रुका रुका करुआ हटाए नहीं हुए काफी बढ़ गया मिल गया खतरनाक लाठी हटो हमें लाठी से डर लगे तोरा हमारा तो डर लगल हो जा हट जाइए रे हट जाइए रे छोड़ा भाग ना बाहर चला हट रे हटी ना रे साला हटी ना इने वीडियो बनाई छै चल रे स्टॉप पर क्या स्टॉप पर क्या स्टॉप कहला करू बोल 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 रे बोल कर मार दियो मार दियो ना मारू ना मारू गलती काम ना देखिए देखिए दोस्तों हटा 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 परले जी का फोटो लाई हटबू तब हटवाऊ तू सत्ता छोरा लाभ छोरा दिस इज बिग साइज वेरी वेरी बिग साइज दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इसी को इंडियन कोबरा देखिए देखिए बाइक करेगा सांप काटने के बाद पानी भी नहीं मांगता है संग डेट और इसके या देख सकते हैं दोस्तों ये इंडियन कोबरा अभी रेस्क्यू किया गया दोस्तों रात के 8 बज रहा है दोस्तों
और यहाँ पे बच्चे लोग खेल रहा था, तो यहाँ पे ईंट के पास गया बॉल लाने के लिए, तो उस पर पैर में अटैक किया था बच्चा को। लेकिन दोस्तों अभी इस बच्चे को थोड़ा सा बच गया दोस्तों, अगर इसको थोड़ा सा भी अगर पैर नहीं हटा पाता तो उसको पैर में बाइट कर देते दोस्तों। उसको साक्षात भगवान उसको दर्शन दे दिए, आज भगवान उसको भोला हुआ बचा लिए दोस्तों, नहीं तो उसका मृत्यु लिखा हुआ था दोस्तों। चले दोस्तों, इसको हम बाल्टी लाया है, लेकिन इस बाल्टी में पैक नहीं हुआ क्योंकि इस बाल्टी में ढक्कन नहीं है दोस्तों, देख सकते हैं। और इसको कोई थैली वली आएगा चाहे बोरा लेके आएगा तो उसमें पैक करेंगे। और चलिए वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग अभी बहुत मेहनत करके सांप को यहाँ पे निकाले हैं दोस्तों। और यहाँ पे बच्चे लोग जो है से दोस्तों गाँव में इतना हंगामा बन रहा बैठा हुआ है कि दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे बच्चा लोग बहुत हल्ला कर रहा है दोस्तों, क्योंकि इसलिए हमने आवाज़ को बाद में रिकॉर्डिंग करके डाल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे बच्चा लोग जो है से बहुत हल्ला कर रहा है कि हम बोल रहे थे तो ये बच्चा लोग सुनने नहीं दे रहा था हमको कोई भी बात को कि हम क्या बोल रहे हैं, और बच्चा लोग बहुत हल्ला कर रहा है यहाँ पर। और ये सांप दोस्तों इंडियन कोबरा आता है दोस्तों, इसी अब किसी को भी काटे तो तुरंत मानार हॉस्पिटल में जाइए, क्योंकि मानार हॉस्पिटल में भी इसको वैक्सीन आता है दोस्तों। गांव देहात में किसी को भी सांप काटता है तो झाड़ फूँक के चक्कर में जाता है, इसी के कारण उसका मृत्यु हो जाता है दोस्तों। किसी को भी सांप काटे तो कोई झाड़ फूँक नहीं, कोई दंत विद्या नहीं दोस्तों, तुरंत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाइए और इसका एंटी वेनम लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका प्राण का रक्षा वहीं पर हो सकता है जहाँ पर इसका एंटी वेनम उपलब्ध रहता है दोस्तों। इसी को नाग बोलते हैं दोस्तों, इसी को पिटार बोलते हैं, कहीं कहीं पर इसको नाजा नाजा भी बोलता है, कहीं कहीं पे इसको कोबरा बोलते हैं, इंडियन कोबरा दोस्तों। बिहार के तरफ इसको घमन के नाम से जाना था। चलिए दोस्तों, इसको हम बोरा में पैक करेंगे और कहीं भी फिर इसको सुरक्षा जगह पर के इसको हम फिर रिलीज करेंगे दोस्तों, देख सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं भाला लाठी सोटा सब ला के रखे हुआ था दोस्तों इसको मारने के दोस्तों, लेकिन कहीं भी सांप निकले तो उसको मारे नहीं, क्योंकि इंसान के अंदर इंसानियत नाम का चीज़ होना चाहिए दोस्तों। गाँव देहात में कहीं भी सांप निकलता है तो उसको मार देता है दोस्तों, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सांप से ही वातावरण शुद्ध रहता है दोस्तों। पृथ्वी पर सांप भी रहना बहुत ज़रूरी है और मधुमक्खी भी रहना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि पृथ्वी पर मधुमक्खी नहीं रहेगा तो आप लोग कोई भी फल सब्जी खाते वो नहीं खा पाइएगा दोस्तों, क्योंकि मधुमक्खी बैठता है तभी कोई भी चीज़ फल तैयारी होता है दोस्तों। चलिए इसको हम बुरा में पैक कर दिए दोस्तों, एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।